का नैब इलेक्शन तरामीम अदालत चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुबैना ऑडियो टेप मुस्तरद कर दी। इमरान खान किसी टाइकून से पैशअप का नहीं कह सकते। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नैब तरामीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। तरामीम के बाद नैब गैर फाल हो गया। नैब कवानीन में तरामीम का फायदा चंद सियासी शख्सियात को होगा। नैब तरामीम से नवाज शरीफ को भी बराह रास्त फायदा पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम पर नोटिस ले। नैब कवानीन में तब्दीली का डायरेक्ट पर वज़ीर आज़म पर है। नैब कानून में तरामीम करके इन्होंने खुद को एनआरओ दे दिया। एक गैर फितरी किस्म का निजाम है, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये लोग इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए यकजा हो जाते हैं। हुकूमत में शामिल लोगों की मंजिल एक नहीं, कौम की ख्वाहिश है कि करप्शन से जान छुड़ाई जाए। अपडेट करें, आपको बताएं कि पीटीआई का नैब इलेक्शन तरामीम अदालत चैलेंज करने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुबैना ऑडियो टेप मुस्तरद कर दी। इमरान खान किसी टाइकून से पैचअप का नहीं कह सकते। ये वेस्टेड ग्रुप्स इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए यकजा हो जाते हैं और हुए हुए हैं। इन्होंने मिल बैठकर जो एंटी करप्शन ड्राइव थी इस मुल्क में, जो इस कौम की ख्वाहिश है अरसा दराज से कि इस करप्शन के कैंसर से पाकिस्तान की जान छुड़वाई जाए, इन्होंने इसको नैब लॉ की अमेंडमेंट्स में दफन कर दिया है। अगर मैं ये कहूं कि इन्होंने अपने आप को एनआरओ 2 दिया है तो ये गलत